Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is phylum vertebrata. What are the various diagnostic characters or what are the various salient features of phylum vertebrata? Kal ke topic mein humne padha tha jo animals ka lost jo phylum jo hai to usko hum bolte the chordata, yani cord like structure usme paya jata hai jisko hum notochord kehte hain. उसके एतबार से हमने कहा था कि इसके दो सब ग्रुप्स हैं. एक में हमने कहा था कि चूंकि वहाँ नॉटोकार्ड रहता है, लाइफ के सारे जो थ्रू आउट लाइफ नहीं रहता है बल्कि कुछ स्टेजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस जो होते हैं एनिमल्स के, किसी स्टेज पर वो रहता है, तो उनको हम बोलते हैं अर्ली कॉर्डेटस या हम बोलते उनको प्रो कॉर्डेटस, जिसमें यूरो कॉर्डेटा, सेफलो कॉर्डेटा वगैरह वगैरह आते हैं अलग अलग ग्रुप. जब हम उनके फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, चूंकि वहाँ में उतना ही प्रो कॉर्डेट्स पढ़ना था आपके सिलेबस में, ये अभी इंट्रोडक्टरी है, इतना ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं है. तो दूसरा जो आता है इसका, जिनको हम बोलते हैं हायर कॉर्डेटस या उनको हम बोलते हैं वर्टेब्रेटा. यहाँ क्या है, इनको क्यों वर्टेब्रेटा कहते हैं तो उनको क्यों प्रोकार्डेटा कहते हैं. इनको वर्टेब्रेटा इसलिए कहते हैं, यहाँ जो नॉटोकार्ड जो है वहाँ नॉटोकार्ड पाया जाता है. किन प्रोकार्डेट्स में नॉटोकार्ड पाया जाता है, क्योंकि नॉटोकार्ड प्रोकार्डेट्स में भी पाया जाता है और वर्टेब्रेटा में भी, मगर प्रोकार्डेट्स में लाइफ के कुछ स्टेजों में पाया जाता है, मगर वर्टेब्रेटा में ये नॉटोकार्ड रिप्लेस होता है एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम. यानी यहाँ नॉटोकॉर्ड के बदले वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है एनिमल, इसलिए इस फाइलम को हम कहते हैं वर्टेब्रेटा. और ये क्यों वजाहत के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें इस फाइलम को, वर्टेब्रेटा को, कितने क्लासेस में बांटा गया है और उन क्लासेस के नाम क्या हैं और उनके फीचर्स क्या हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें दो तीन क्लासेस में या लेक्चरर्स में कंप्लीट करना होगा. जैसे हम इसके जितने जो क्लासेस हैं, जैसे ये वर्टेब्रेटा जो क्लास जो है इसको वर्टेब्रेटा फाइलम जो है इसको पांच क्लासों में फर्दर बांटा गया है. यानी पूरे फाइलम को पांच क्लासों में बांटा गया. एक को फर्स्ट को कहते हैं पाइसेस यानी फिशेस, उसमें फिर कॉटलेज फिशेस भी आते हैं और बूनी फिशेस भी आते हैं. तो उसके भी फिशेस के भी फिर दो ये सुपर क्लासेस है. एक को कहते हैं हम कॉटलेज फिशेस, दूसरे को हम कहते हैं बूनी फिशेस. तो उसके बाद एक दूसरा क्लास आता है उसको बोलते हैं एम्फीबिया, जैसे फ्रॉग वगैरह जो दो 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 हैबिटेट्स में रहता है. इसी तरीके तीसरा आता है उसको बोलते हैं रेप्टिलिया, और चौथे को कहते हैं एव्स यानी बर्ड्स, और पांचवें को कहते हैं मेमिलिया. तो इसको हमें दो तीन क्लासेस में इस वर्टेब्रेटा को पढ़ना पड़ेगा, इस फाइलम को. तो आज हम पहले हम वर्टेब्रेटा को जनरली एज ए कलेक्टिवली इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक करेक्टर्स हैं, इसमें किस किस किस्म किस किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. तो वर्टेब्रेटा जब फाइलम का तस्वर हमारे जहन में आता है तो यहाँ ये याद रखनी चाहिए बात कि इसका नाम है कि यहाँ नॉटोकॉर्ड जो है जो कॉर्डेटा में होता है उसको यहाँ इस ग्रुप में या इस फाइलम में वर्टेब्रेट्स में ये नॉटोकॉर्ड इसके बदले एनिमल्स के अंदर एक वर्टेब्रल कॉलम होता है, वेल डिफाइंड वर्टेब्रल कॉलम. तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं वर्टेब्रेटा के, दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टेब्रल कॉलम. इसमें एक ट्रू वर्टेब्रल कॉलम होता है जो फ्रॉम हेड टू टेल आर ये एक वर्टेब्रल कॉलम फैला होता है एनिमल्स के अंदर. और क्या है कि इसमें इंटरनल स्केलेटन होता है कि इन एनिमल्स के अंदर एक जो हड्डियां होती हैं वो जिस्म के अंदर जिसके ऊपर पोस्ट यानी गोश्त चढ़ा होता है, एक स्केलेटन यानी जिसको हम कहते हैं हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, अच्छे तरीके से हड्डियों का ढांचा जिस्म के अंदरूनी साख जो इसकी साख्त जो होती है एनिमल की बनावट जो होती है उसके अंदर जिसके ऊपर गोश्त होते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं पूरा जिस्म जो है वो जो गोश्त जो होता है वो हड्डियों के ऊपर चिपका होता है और इसके अंदर एनिमल के अंदर एक इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है. ये इसका एक मेन कैरेक्टर है और वर्टेब्रल कॉलम, जिसकी वजह से इस फाइलम को हम अलग से पढ़ते हैं. और यहाँ क्या है कि नॉटोकॉर्ड जो हमने कल पढ़ा था, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है कॉर्डेट्स में, यहाँ उसके बदले वर्टेब्रल कॉलम होता है, यहाँ नॉटोकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ वर्टेब्रल कॉलम होता है. तो तीसरा करेक्टर यह है कि वर्टेब्रेट्स जो है या वर्टेब्रेटा जो फाइलम जो है इसका एक खास करेक्टर, जो एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टेब्रेट्स. जैसे
जो प्रोटोजून में होगा उसको प्रोटोजुआ में पड़ेगा उसको बोलते हैं प्रोटोजून, इस तरह पोरीफेयर उनको बोले पोरीफेयर। इसी तरीके से वर्टेब्रेटा काल में जो जो एनिमल ये इनकॉर्पोरेट होते हैं या जिन जिनको हम इसमें ये शामिल करते हैं उनको हम कहेंगे वर्टेब्रेटस। अब वर्टेब्रेटस दोज एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, जो वर्टेब्रेटा फाइलम में शुमार किए जाते हैं। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी दो बराबर हिस्सों में वो तकसीम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी थ्री जर्म लेयर के साथ उसकी डेवलपमेंट होती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है थ्री जर्म लेयर, जो हम बार बार पढ़ते आए हैं पिछले चंद क्लासों से। और ये सीलोमिक है, यानी बॉडी केविटी पाई जाती है, इसमें एक बॉडी केविटी होती है जहाँ वो ऑर्गन्स अपने अपनी जगहों पर डिफरेंट लोकेशंस पर पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। और क्या है, और सेगमेंटेड होते हैं, यानी अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इसके सेगमेंट्स होते हैं, खाने हिस्से होते हैं, विथ कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। हाँ, यहाँ एक वेल डिफाइंड टिश्यू स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं एनिमल के अंदर, अलग अलग मस्कुलर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ये हम सब देखते हैं इसके अंदर। और ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स, ये इसके अहम अहम करेक्टर है। और क्या है, नरोकार्ड जो है वो डार्सल होता है और हालो। नरोकार्ड मीन्स एक नरोकार्ड जो हेड से जहाँ ब्रेन के साथ ये होता है हालो, ये जिस्म के पिछले ऐसे डॉर्सल साइड में पाया जाता है, एक होता है डॉर्सल साइड, एक होता है वेंट्रल साइड। डॉर्सल इसके पीछे पाया जाता है एंड हालो, और वो अंदर से हालो होता है, यानी एम्प्टी होता है, ये इसका नरोकार्ड होता है। और एंडोस्केलेटन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, ये इसका मेन फीचर है। फॉर्मड ऑफ कॉटलेज और बोन, हाँ कुछ कुछ ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनका जो एंडोस्केलेटन कॉटलेज का होता है, और कुछ का क्या होता है वो बोन्स का होता है। कॉटलेज मीन्स या कशरस मच माना क्रूपडीज, और बोन होता है जिसको हम कंप्लीटली हम ये कहेंगे हड्डी। तो ये जो होता है कि इसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जिस्म के अंदरूनी एक स्केलेटन होता है जिसको हम या तो वो कॉटलेज का होगा या बोन्स का होगा। हाँ, अब ये रहते कहाँ हैं, ये वर्टेब्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये एनिमल्स जो वर्टेब्रेटा में होते हैं फाइलम वर्टेब्रेटा में, ये कहाँ कहाँ किस किस हैबिटेट में हम देखते हैं। इनको हम एक्वेटिक में भी देखते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल में भी देखते हैं, इनको हम लैंड, कभी कभी क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं कुछ सिर्फ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ मैरीन में रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, यानी उनको हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे, जो पानी के अंदर उनको बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक के भी दो फिर हिस्से होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, कुछ मैरीन वाटर, हाँ कुछ बोथ होते हैं, लैंड पर भी और वाटर पर भी, यानी वो जमीन वो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के अंदर, भाई एक वक्त वो दो हैबिटेट को इस्तेमाल कर, जैसे फ्रॉग है जिसको हम मेंढक कहते हैं, वो जमीन के अंदर जमीन के ऊपर भी जिंदगी गुजारता है और पानी के अंदर, भयक वक्त दो तरह की वो जिंदगी गुजारता है, पानी पानी के अंदर भी जाता है उस हैबिटेट में भी, यहाँ और कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में रहते हैं, ये जैसे बर्ड्स हम कहेंगे। ये सब इतना वेरीड जो है, ये वेरीड लाइफ जो है ये इस वर्टेब्रेटा कॉलम में पाए, जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, स्कोलिनियन जिसको हम बोलते हैं डॉग फिश, अच्छा रूहो जिसको हम, अच्छा रूहो है, अच्छा वॉल लिजर्ट है, इस तरह क्रोकोडाइल है, पिजन है, ऑस्ट्रिच है, कंगारूज है, बैट्स है, चमगादड़, रैबिट, मंकी, हॉर्स, कैमल्स, लॉयन, डॉग, डॉल्फिन्स, एप्स, चम्पेंजी एंड इवन ह्यूमन बींग्स मैन, ये भी इस पूरे इतने जो हमने मैंने जो जितनों का नाम लिया, जितने एनिमल्स का, ये सब वर्टेब्रेटा में आते हैं, मगर ये अलग अलग क्लासेस में पाए जाते हैं। आज अब देख सकते हैं कुछ डायग्राम, जैसे ये है, ये कॉटलेज फिशेस हैं, और ये आप देख सकते हैं ये है बोनी फिशेस। इसी तरीके से ये एम्फीबियंस हैं, ये दो क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड वगैरह, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये है, ये रेप्टिलिया है, यह आप देख सकते हैं, ये कोबरा है वगैरह, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ एक उसके बाद एव्स, ये बर्ड्स, ये आप देख सकते हैं जो एयर में रहते, हवा में उड़ते हैं, इनका हैबिटेट ये होता है। इनके अलग अलग फीचर्स क्या है वो हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम डायग्राम देख रहे हैं, ये शक्लें देख रहे हैं, चूँकि ये सब क्लासेस जो आते हैं ये वर्टेब्रेटा में पढ़ते हैं, तो इनको हमें अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आखिर पर, ये मैमल्स देख रहे हैं, ये मैन है, ये आप देख सकते हैं, बैट है, ये है, कैट है वगैरह, ये मैमल्स में आते हैं। अब हमें अगले क्लासों में हमें ये पढ़ना है कि
इस वर्टिब्रेटा को पांच क्लासेस में बांटा गया है, पाइसिस से लेकर मैमल्स तक। तो जिनको हम दो दो क्लासेस को एक एक क्लास में पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर अगले एक दो क्लासेस में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। थैंक यू।